हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल ट्रैकर स्टार में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर के नए अपडेट के बारे में। हाँ दोस्तों, आज हाल ही में पोषण ट्रैकर का नया अपडेट आया है जो 19.1 के नाम से आया है। और दोस्तों इस अपडेट में आपको बहुत ही खास जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें एक नया ऑप्शन आया है MPR का। अब काफ़ी लोग दोस्तों क्या है कि वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पर और ग्रुप में डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको अब हर महीने अपनी MPR फीड करनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि ये जो नया ऑप्शन आया है MPR का, इसमें क्या कुछ है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी नई नई जानकारी मिलती है और बिल्कुल सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। कोई दोस्तों मैं कोई फर्जी जानकारी आपको नहीं देता हूँ, बिल्कुल A1 जानकारी मैं आपको अपनी वीडियो में देता हूँ। तो उसके लिए चलते हैं दोस्तों सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर पर और देखते हैं कि क्या क्या अपडेट हमारे पोषण ट्रैकर में आए हैं। तो हम अपने प्ले स्टोर को खोल लेते हैं और अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने पहले से ही सर्च कर रखा है पोषण ट्रैकर। आप यहां पर देख पा रहे होंगे लिखा है अनइंस्टॉल और अपडेट, अर्थात पोषण ट्रैकर नया अपडेट आ चुका है। और नीचे आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे व्हाट्स न्यू, और नीचे लिखा है यहां पर AWW अर्थात आंगनवाड़ी वर्कर मंथली रजिस्टर हैज़ बीन इनक्रिप्टेड। तो अब हम दोस्तों यहां पर इसको अपडेट कर लेते हैं। और जी 6 MB का अपडेट है दोस्तों, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगा। आप भी अपने पोषण ट्रैकर को प्ले स्टोर से ऐसे ही अपडेट कर लें। अपडेट के बाद दोस्तों यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। इंस्टॉलिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी। ये देखिए दोस्तों, हमारा पोषण ट्रैकर डाउनलोड होके अपडेट हो चुका है और यहाँ पर ओपन वाला ऑप्शन आ चुका है। हम ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नीचे की साइड यहाँ पर आ चुका है वर्जन 19.1, अर्थात हमारा पोषण ट्रैकर अपडेट हो चुका है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और MPIN डालकर लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और MPIN डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपना ID पासवर्ड डालकर यहाँ पर मोबाइल नंबर और MPIN डालकर लॉगिन कर लिया है। और अब हम थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ आ रहा है मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट और यहाँ पर लिखा है MPR। ये ऑप्शन दोस्तों आपको पहले यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, ये अभी इसी अपडेट में ऑप्शन आया है। और अब हम इसमें देखेंगे क्या क्या अपडेट दिया गया है, उसके लिए हम MPR वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर, देखिए मैं आपको एक छोटी सी जानकारी सबसे पहले देना चाहता हूँ कि ये जो MPR है इसमें आपका पिछले महीने का डाटा, अर्थात पिछले महीने का जो भी आपने कार्य किए थे पिछले महीने का पूरा रिकॉर्ड आपका इस MPR में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और काफ़ी लोग दोस्तों आपको बता रहे हैं कि नहीं, MPR आपको हर महीने फीड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये MPR आपकी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है पिछले महीने की। जैसे कि अब सितंबर माह लगा हुआ है और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर अगस्त लिखा हुआ है, अर्थात ये पिछले माह की आपकी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है। जो आपने पिछले महीने कार्य किया था उसकी पूरी जानकारी पहले आपके फ़ोन में नहीं दिखाई देती थी, लेकिन अब आपके फ़ोन में पूरी जानकारी यहाँ पर दिखाई देगी कि आपने पिछले महीने क्या आपकी कार्य प्रगति रही। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर बेनिफिशरीज का, और बेनिफिशरी में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है टोटल एक्टिव बेनिफिशरी। टोटल एक्टिव बेनिफिशरी की संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। न्यू रजिस्टर्ड, जो नई रजिस्टर्ड आपने बेनिफिशरी की है उसकी संख्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और माइग्रेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर लिखा है इनएक्टिव ड्यूरिंग द मंथ, ये रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखा रही है। और दूसरा है डेड, अर्थात कितने लाभार्थियों की आपकी मृत्यु हुई थी, वह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 0। कितने लाभार्थियों का आपने माइग्रेट आउट किया था वह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है,
और अब है दूसरा यहाँ पर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ऊपर बेनिफिशरी का था, यहाँ पर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का है। तो यहाँ पर लिखा है कि 75 टोटल एलिजिबल बेनिफिशरी, अर्थात 75 जो लाभार्थी हैं आपके पोषण योग्य थे और उनमें से आपने 45, इधर लिखा है 45 बेनिफिशरी प्रोवाइडेड THR HCM फॉर एट लास्ट 21 डेज, अर्थात आपने 75 लाभार्थियों में से 45 लाभार्थियों का THR फीड किया था। अब नीचे लिखा है दोस्तों कि 1125 बोल सकते हैं डेज ऑफ THR प्रोवाइडेड, और आगे लिखा है बेनिफिशरीज प्रोवाइडेड THR, अर्थात आपने 45 लाभार्थियों को 1125 दिन के लिए टोटल, अगर हम 25 के टोटल मतलब कि जो हमने 45 लाभार्थियों को पोषण दिया है अगर उसकी हम मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो यहाँ पर 1125 आ जाएगा, अर्थात हम आपने 45 लाभार्थियों को टोटल 1125 दिन का पोषण दिया है। और नीचे है फिर डेज ऑफ HCM प्रोवाइडेड, अर्थात आपने जो हॉट कुक है कितने लाभार्थियों को दिया था और कितने का होना चाहिए, तो यहाँ पर 0-0 है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी HCM की योजना संचालित नहीं है। और फिर है नीचे यहाँ पर प्री स्कूल एजुकेशन, और लिखा है 29 चिल्ड्रन 3 years to 6 years, अर्थात 3 से 6 वर्ष के 29 लाभार्थी आपके पास पंजीकृत हैं। सभी आप अपने अपने एमपीआर में देखेंगे, आपका अलग अलग दिखेगा, यहाँ पर मैं फ़िलहाल आपको दिखा रहा हूँ अपने यहाँ का। और लिखा है यहाँ पर 18 चिल्ड्रन अटेंडेड आंगनवाड़ी सेंटर फॉर एट लेस्ट 15 डेज, और आगे लिखा है चिल्ड्रन अटेंडेड आंगनवाड़ी सेंटर फॉर एट लेस्ट 21 डेज। और फिर है नीचे 10 चिल्ड्रन अटेंडेड PSE अर्थात प्री स्कूल एजुकेशन फॉर एट लेस्ट 15 डेज, और आगे लिखा है 7 चिल्ड्रन अटेंडेड प्री स्कूल एजुकेशन फॉर एट लेस्ट 21 डेज। तो दोस्तों ये आपकी पूरी MPR रिपोर्ट है जो आपके पिछले महीने की फीडिंग आपकी थी, पूरी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अब है यहाँ पर होम विजिट, होम विजिट का दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है टोटल टारगेट विजिट आपके 18 होने चाहिए थे, और नीचे लिखा है विजिट कम्प्लीट 18 और विजिट मिस्ड 0, अर्थात आपका जो गृह भ्रमण है होम विजिट है आपको यहाँ पर कम्प्लीट दिखा रहा है, इस प्रकार से आप सभी का दिखाएगा। अब है यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग में दिखा रहा है दोस्तों यहाँ पर 67 अर्थात 67 बच्चे 0 से 6 ईयर्स के, और टोटल आपने जो जिनका वजन लंबाई लिया है वो भी यहाँ पर टोटल दिखा रहा है 67 टोटल मर्ज्ड, अगर आपका यहाँ पर पेंडिंग होता तो आपको यहाँ पर पेंडिंग भी दिखा देता। अब दोस्तों जो आपने वजन लंबाई यहाँ पर फीड किया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नीचे दिखाया गया है सर्वली स्टैंड, और अर्थात मैं आपको हिंदी भाषा में समझा दूँ कि यहाँ पर ये SMM दिखा रहा है, मतलब कि जो आपका लाल पीले बोलते हैं लाल पीले दिखा रहा है, ओबेस ओवरवेट जो जिसका आप वजन फालतू भर देते हैं वो दिखा रहा है, और ऐसे दोस्तों आपको पूरी MPR यहाँ पर नीचे SMM का दिया गया है। और नीचे है फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है टोटल बेनिफिशरीज आयरन फोलिक एसिड कैल्शियम विटामिन ए, अर्थात आपने कितने लाभार्थियों को ये चीज़ प्रोवाइड कराई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी वीडियो को ध्यान से सुना होगा और आपकी समझ भी आ गया होगा किस MPR में क्या 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 चीज़ें दी गई हैं। देखिए यहाँ पर बेनिफिशरी का डाटा दिया गया है आपका, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का दिया गया है, प्री स्कूल एजुकेशन का दिया गया है, होम विजिट का दिया गया है, ग्रोथ मॉनिटरिंग का दिया गया है, और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का दिया गया है। पूरा दोस्तों जो भी आपने पिछले महीने फीड किया होगा उसकी जानकारी आपको इस महीने हो जाएगी, क्या क्या आपने पिछले महीने छोड़ दिया था और क्या क्या आपका छूटा हुआ है, जिससे आप इस महीने उसको आसानी से कंप्लीट कर लें। और जैसे नीचे दोस्तों यहाँ पर एक जो ऑप्शन है ग्रोथ मॉनिटरिंग का, ये बहुत ख़ास ऑप्शन है क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि लाभार्थी के वजन को कभी कम कर देते हैं कभी बढ़ा देते हैं, तो उससे काफ़ी संख्या बढ़ जाती है, SMM की संख्या बढ़ जाती है या SUW की संख्या बढ़ जाती है, MUW की संख्या बढ़ जाती है, तो
इस चीज़ को देखते हुए आप उसमें अपनी वजन लंबाई में सुधार ला सकते हैं, जिससे आपकी यहाँ पर जो फिटिंग है वो गलत ना दिखाई। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा रहा है यहाँ पर 25 लाभार्थी दिखा रहा है यहाँ पर, और नीचे भी दिखा रहा है सैम मैम यहाँ पर 5 दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने गलत फीडिंग की हुई है। ये रिकॉर्ड आप पहले सही तरीके से नहीं देख पाते थे, लेकिन अब आपको प्रत्येक रिपोर्ट यहाँ पर पिछले महीने की मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से अपना इस माह ठीक कर सकते हैं अपनी फीडिंग का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें, जिससे वे भी जानकारी को हासिल कर सकें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं।